हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि बहुत दिनों से डिमांड में थी, लोग कह रहे थे, तो उसी पे ये वीडियो है। देखिए, बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम व घोषणाएं जो कि कुछ खास महत्वपूर्ण है, इसके बाद भी आएगा वीडियो इसी पे कार्यक्रम पर जो स्कीम चल रहे हैं बिहार सरकार द्वारा। तो अभी जो है जो इम्पोर्टेंट है कुछ खास को लेकर सिर्फ इस वीडियो में मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलें। तो ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए दोस्तों, इसमें बिहार की जो बिहार ये है कि बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लिए, तो महत्वपूर्ण फैसले लिए थे बिहार सरकार ने, जिनमें सातवें वेतन आयोग जो है, सातवें वेतन आयोग आयोग के तहत भत्ते दिए जाने का निर्णय भी शामिल था। तो आवासीय भत्ते से रिलेटेड है कुछ खास इम्पोर्टेंट जो जान लें। तो आवासीय भत्ते जो है चार भाग, आवासीय भत्ते को चार भागों में बांटा गया है। तो जो पटना में जो भी कर्मी रहते हैं या ठीक है जिनकी पोस्टिंग पटना में होती है, तो उनको उन कर्मियों को मूल वेतन के अलावा जो है ये 16% भत्ता जो है, भत्ता एक्स्ट्रा उनको मिलता है। ठीक है, ये यहाँ रहने का, जो कि यहाँ महंगाई ज़्यादा है पटना में, तो पटना जिला में महंगाई ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो है जो भत्ता है वो 16% यहाँ रखा गया है। उसके बाद अन्य बड़े शहरों को जेड श्रेणी में रखा गया है, जहाँ 8% भत्ता दिया जाना निश्चित किया गया है। छोटे शहरों में 6% भत्ता, और प्रखंड जो प्रखंड में है जो कर्मी या थाना में जो कर्मी है उनके लिए जो है 4% जो है आवासीय भत्ता है, जो कि ये ठीक है प्रखंड थाना में। इसके अलावा देखिए, सबसे अधिक जो है भत्ता जो है नई दिल्ली में दिया जा रहा है। तो नई दिल्ली में बिहार राज्य के कर्मियों को 24% आवासीय भत्ता दिया जाता है। तो ये नई दिल्ली में दोस्तों बिहार भवन है, तो बिहार भवन में जो कर्मी हैं उनको ये भत्ता दिया जाना है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोक संवाद कार्यक्रम के बारे में जानिए कि लोक संवाद कार्यक्रम क्या है और कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों लोक संवाद कार्यक्रम पहले जनता दरबार का ही ये डेवलप रूप है, जनता दरबार लगाया जाता था नीतीश कुमार के द्वारा। अब उन्होंने जो है लोक संवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दिया है। तो देखिए, 21 अक्टूबर 2016 को, याद रखिएगा डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए इसीलिए। ठीक है, 21 अक्टूबर 2016 को राज्य कैबिनेट ने लोक संवाद कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया था। और इसकी लोक संवाद कार्यक्रम का जो शुरुआत हुआ था वो 5 दिसंबर, यानी कि ये 5 दिसंबर 2016 को इसका शुरुआत किया गया है लोक संवाद कार्यक्रम का। अब लोक संवाद कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ, जो विभाग हैं उन विभागों के मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ मिलकर 50 लोगों को ये इनवाइट करते हैं, 50 लोगों को बुलाते हैं और 50 लोगों का चयन किया जाता है और उनसे बात करते हैं। ठीक है, उनसे बात करते हैं, सुझाव मांगते हैं। लोक संवाद कार्यक्रम में बेसिकली सुझाव आमंत्रित किया जाता है और उस सुझाव पर जो बेस्ट 50 जो है सजेशंस हैं उन उनके सुझाव पर अमल करने के लिए काम किया जाता है। तो ये लोक संवाद कार्यक्रम जो है एवरी मंडे, ठीक है, प्रत्येक मंडे को आयोजित किया जाता है। और इसमें जो जैसे पहला सोमवार हो जाता है, महीने का पहला सोमवार है यानी कि मंडे है, तो उसमें आधारभूत संरचना और उद्योग से जुड़े हुए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। फिर है, जो दूसरा सोमवार होता है, तो दूसरे यानी सेकंड जो मंडे को प्रशासनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाएं और मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो सुझाव है सजेशन है उसको आमंत्रित किया जाता है। कुछ कंप्लेन भी इसी के तहत आते हैं, जो सुझाव एक तरह से कंप्लेन के रूप में भी हो सकते हैं ये। फिर जो थर्ड सोमवार है उसमें सामाजिक प्रक्षेत्र से संबंधित सुझाव लोगों से जो मुख्यमंत्री हैं वो सुनते हैं। तो ये लोक संवाद कार्यक्रम था और इसके इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये इसका कब इसका घोषणा किया गया, इसकी शुरुआत कब हुआ, कितने लोग इसमें आते हैं और कितने
जो कितने मतलब पहला सोमवार, दूसरा सोमवार, तीसरे सोमवार को ये कौन कौन सा कार्यक्रम है, ये सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के सामने कुछ अपना जो है आइडिया सामने पेश किया जाए, तो ये जो अलग अलग किया गया सोमवार का जो अपना सब्जेक्ट विषय देख ले, उसके अनुसार आप वहाँ पर जाकर मुख्यमंत्री से एकदम फेस टू फेस बात कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आइए आखिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ये है सात निश्चय कार्यक्रम। सात निश्चय कार्यक्रम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये मुख्यमंत्री का ये मतलब मैनिफेस्टो था इलेक्शन के, जो 2015 का इलेक्शन हो रहा था 16वीं विधानसभा के लिए, उसमें सात निश्चय कार्यक्रम जो है जेडीयू और राजद राजद दोनों पार्टियों ने मिलकर ये सात निश्चय कार्यक्रम को मैनिफेस्टो में रखा था। और उसके तहत ही जब सरकार बनी तो उन्होंने इसको लागू करने के लिए जो है चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया जो है अपनाई। तो आप देखिए क्या क्या है इसमें। तो इसमें पहला है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। ये एक मतलब कि सात निश्चय का पहला कार्यक्रम यही है, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। अब देखिए इसमें क्या क्या है। तो इसमें है कि सबसे पहले इस निश्चय की शुरुआत की गई, मतलब अगर सात निश्चय में जो पूछा प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं कि सात निश्चय में सबसे पहले किस निश्चय को शुरू किया गया, तो सबसे पहले जो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार इसको शुरू किया गया है, सबसे पहले इसी निश्चय को शुरू किया गया। उसके बाद इसमें जो है इस मतलब आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है क्या, तो इसमें सरकार ने जो है सभी सरकारी नौकरियों में, जो बिहार की जितने भी सारी नौकरियां हैं ठीक है, तो उसमें सभी में महिलाओं को 35% सीट जो है, टोटल सीट में 35% सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया है। और ये 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 2016 से लागू है। तो महिलाओं को इस तरह से बिहार में बहुत जो है वेटेज दिया गया है, और इस तरह का कार्यक्रम जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में सबसे पहले ये बिहार से ही शुरू किया गया है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। उसके बाद दूसरा जो निश्चय है सात सात निश्चय में, तो ये हर घर नल का जल, हर घर नल का जल है। और इसमें जो बातें हैं तो उसमें बात है कि इस मतलब इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है सब मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया। एक बात याद रखें, सातों निश्चय जो है कार्यक्रम है सभी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है विभिन्न समय में, तारीख में। तो ये 27 सितंबर को शुरू किया गया है, घर घर नल का जल 27 सितंबर 2016 को शुरू किया गया, जिसके तहत है कि घर में पाइप द्वारा नल से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो शहर हो या हो गांव। तो गांव में जो है उसके लिए बड़े बड़े बना, कई जगह मैंने देखा भी है, बनाए जा रहे हैं पानी की टंकी, और उन टंकी के माध्यम से घर में पाइप के द्वारा जो है पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो अब ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट निश्चय कौन सा है। तो शौचालय घर का निर्माण, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये है। तो इसमें है, तो इसमें जो बातें हैं, तो इस निश्चय की जो शुरुआत है 27 सितंबर को हुआ, नल घर नल जल का, और जो पाइप से पानी था, और ये शौचालय दोनों को एक ही तारीख को शुरू किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा, ठीक है, नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है खुले में शौच से मुक्त करना है बिहार को, और इस बिहार के लिए हर घर शौचालय की व्यवस्था करना है। हालांकि केंद्र द्वारा इस तरह का जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के ये सात निश्चयों में शामिल है। और इसके लिए जीविका के माध्यम से जो है गांव, खासकर शहरों में तो ये बहुत कम है समस्या शौचालय से, खुले में शौच से संबंधित हालांकि है, लेकिन गांव में जो है गांव में अधिकांश जगह अभी भी यही खुले में शौच से संबंधित समस्या है। तो वहाँ जीविका के माध्यम से जो है मॉर्निंग टाइम में जो है मतलब इस तरह के जागरूकता फैलाने के लिए वहाँ पर कार्य किया जा रहा है, कि ताकि खुले में शौच जो है ना किया जाए। हालांकि और जो शौचालय से संबंधित जो भी सरकार की तरफ से फंड है उसको जल्दी जल्दी दिया जा रहा है। अब कितने लोगों को कहाँ मिलता है ये तो कहने की बात है, लेकिन खैर ये है। और कुछ घोटाले भी हुए हैं तो इनका मैं जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा कदम है, और गांव हो या शहर हो खुले में शौच से मुक्त होना ही चाहिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। तो आर्थिक हल,
युवाओं को बल, ये जो ये निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल। उसकी इसमें जो बातें हैं कि इस निश्चय के अंतर्गत जो है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की घोषणा किया गया है कि जो बिहार के स्टूडेंट के लिए जो कि 11वीं 12वीं में है विद्यार्थी या ग्रेजुएशन के लिए बाहर जाना चाहते हुए या इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, तो उनके लिए जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री निश्चय जो स्वयं सहायता और भत्ता योजना, इसके साथ ही कुशल युवा कार्यक्रम, तो इसमें जो कि इसको शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2016 को। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ट्रेनिंग दिया जाएगा, कुशल युवा कार्यक्रम जो है इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा, खासकर कंप्यूटर कंप्यूटर से रिलेटेड, या आप कोई और भी ट्रेनिंग चाहते हैं तो कई तरह के ट्रेनिंग मुहैया कराया जा रहा है, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, तो जिसके तहत कि आप रोज़गार पा सकें ऐसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद और कुछ भत्ता भी मिलता है इसमें, ट्रेनिंग पाने वाले को कुछ भत्ता भी दिया जाता है ताकि लोग आकर्षित हों और इस तरफ अपना रुझान पैदा करें। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट जो है सात निश्चय में, तो हर घर की गली, पक्की गली और नालियाँ, तो ये भी निश्चय है बहुत है और ये पूरे बिहार में करना है। शहर में तो ये लगभग हो चुका है, लेकिन गांव जो अभी भी बचे हुए हैं, गांव के बहुत सारे सड़कें और गली, मतलब गांव की गलियां, सड़कें, सड़क तो बिहार में बहुत काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है सड़क जब से नीतीश कुमार का शासन है, तो सड़क की कोई दिक्कत नहीं, खासकर शहर से ज़्यादा गांव में जो सड़कें होती हैं बहुत बेहतरीन होती हैं। हालांकि कुछ जगह समस्या है, लेकिन मैक्सिमम जो माना जाए तो 90% जो है कवर कर लिया गया है, मतलब बहुत बढ़िया सड़क उपलब्ध किया गया है, बनवाया गया है। और अब देखिए गांव में जो गली है, अभी इसमें समस्या, गली भी बन रहा है लेकिन बहुत सारे गांव में जो है मानसिकता उन लोगों की नहीं है, कोई नहीं चाहते हैं कि हमारे घर से, घर के पास से नली गुजरे। ठीक है, कोई नहीं चाहते हैं कि नलियाँ हों, गली हो, ये आपसी विवाद है, लेकिन सरकार की योजना है तो जिसे सहमति से लागू किया ही जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है 28 अक्टूबर 2016 को किया गया है और सभी गांव और शहरों में पक्की गली और पक्की नाली की व्यवस्था की जानी है। इसके तहत, इस योजना के तहत, इस सात निश्चय में ही ये अब है हर घर बिजली लगातार। तो अब जो है 1 साल हर घर बिजली में, इसके देखिए इसे क्या है, तो ये 15 नवंबर 2016 को इसकी शुरुआत किया गया है और 1 साल होने को है। 1 साल में जो है जो बिजली विभाग के जो प्रधान सचिव है उन्होंने घोषणा किया है कि निर्बाध रूप से सभी गांव में बिजली जो है पहुंचा दी गई है दिसंबर के महीने तक, उन्होंने ऐसा कहा दिया है। तो खैर वो देखने की बात है कि कहां कहां बिजली पहुंची है, नहीं पहुंची है, अब कितने घंटे मिलती है, लेकिन जो है बिजली पहुंचा दी गई, कनेक्शन जो है दिया गया है। हालांकि अभी भी कनेक्शन से बहुत लोग बचते हैं गाँव में, क्योंकि सबको जो है मुफ्त में चाहिए, बहुत लोगों को मुफ्त में भी चाहिए बिजली, जो कि ऐसा नहीं होगा, दबाव से उनको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब खैर हर घर बिजली बहुत अच्छा योजना है, शहर गांव में जो जो एक अंतर होता है, एक बिजली का ही अंतर होता है, अगर शहर और के शहर के साथ साथ गांव में भी बिजली अगर प्राप्त है तो कोई कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं होती है। अब देखिए अवसर बढ़े और आगे बढ़ें, ये योजना जो है इसमें, इसके अंतर्गत राज्य में व्यापक रूप से व्यवसाय एवं तकनीकी संस्थान खोला जाएगा। तो खोला भी गया है, तकनीकी संस्थान और खोले जाने की जो है प्रक्रिया में है अभी। तो ये था कुछ सात निश्चय कार्यक्रम, अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये देखिए बिहार लोक सेवा शिकायत निवारण अधिकार 2015, ये कानून है। ठीक है, ये कानून जो है बहुत ही ताकतवर कानून है, खासकर आम जनता के लिए, और आम लोग इससे अभी बहुत कम लोग अवगत हैं, लेकिन जो भी अवगत हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, बिहार में इसका फ़ायदा उठा रहे हैं वे लोग। तो देखिए क्या है इसमें, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जून 2016 को इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसका विधिवत रूप से शुरुआत किया गया है और इस तिथि से ही है, मतलब कि 5 जून 2016 से ये पूरे राज्य में एक साथ लागू हो गया है। इसके तहत बिहार की जनता को एक नियत समय सीमा के अंदर
उनकी शिकायतों की सुनवाई और उनका जो शिकायत है उसका निवारण यानी समस्या का जो है समाधान कानूनी अधिकार, समाधान का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो शिकायत है उस शिकायत को जो है उसको सिर्फ शिकायत सुनना नहीं है बल्कि उसको पूरा भी कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इसके अंतर्गत जो आम लोगों को निर्धारित समय सीमा में जन सुविधाएं प्रदान करना है, जैसे कि सड़क, सड़क मान लीजिए कहीं सड़क नहीं है, नाली नहीं है, या बिजली की व्यवस्था नहीं है, या कोई किसी ऑफिस में कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये सारे जो है जो भी बिहार सरकार से संबंधित जितने भी सारे काम है वो सबके लिए ही है, और SDO स्तर पर जो है ये काम होता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री सचिवालय में जो है मुख्यमंत्री लोक सेवा शिकायत निवारण जो है का ऑफिस है, आप डायरेक्ट वहाँ उनके नाम से भी कर सकते हैं और ऊपर से कहीं भी जा सकता है। तो एक विभाग बना दिया गया है। अब है इसके, अब सरकार ने जो है 44 विभागों को नए अधिनियम में सम्मिलित किया है। तो सरकार के जो 44 विभाग है सब में ये अधिनियम लागू है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी, चूंकि अभी ये बहुत लोग कहते हैं कि बहुत पुराना हो गया मैटर, बहुत पुराना हो गया मैटर, लेकिन दोस्तों इसका इम्पैक्ट जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है, इम्पैक्ट है। हालांकि बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि शराब मिले, लेकिन दोस्तों ये मान लीजिए कि शराब जाहिर सी बात है बहुत हद तक आपके और आपके परिवार को नुकसान ही पहुंचाने वाले हैं। तो खैर वो अभी यहाँ तो सिर्फ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि परीक्षा में कहीं से कुछ जुड़ा प्रश्न ना आ जाए। तो इससे जुड़े जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपके सामने इस तरह से हैं। तो देखिए बिहार में सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2016 को आंशिक शराबबंदी हुई, जो अंग्रेजी शराब से रिलेटेड था। 1 अप्रैल 2016 से जो अंग्रेजी शराब था उसको बंद कर दिया गया, नीतीश कुमार बंद कर दिया। जब इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा उनको मिला, मैसेज मिला, तो उन्होंने 4 दिन बाद ही यानी 5 अप्रैल से अचानक उन्होंने झटका देते हुए जो है जो देसी शराब था और ठीक है गांव या पूरे बिहार में शराबबंदी को जो लागू कर दिया, जिसमें कि ताड़ी वगैरह सब जो था ताड़ के पेड़ से जो निकलता है उस सब को बंद कर दिया गया है 5 अप्रैल से। तो बिहार में पूर्ण रूप से जो अभी बंदी है 5 अप्रैल 2016 से लागू है। अब इसको 30 सितंबर 2016 को उसी साल पटना हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अब ये मतलब गलत है, अवैध तरीके से करार दे दिया, चूँकि पटना हाई कोर्ट ने पूर्व के कुछ कानूनों को हवाला देते हुए इनके जो जो कानून था उसको रद्द कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जो कि उस समय माहौल ही बन गया कि भाई अब शराब मिलने लगेगा, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार ने फिर कदम उठाते हुए उसको कानून का शक्ल दिया और 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध, ठीक है, बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016, ठीक है, ये कानून है इसको लागू कर दिया, ठीक है, जो आप देख रहे हैं को लागू किया 2 अक्टूबर 2016 से, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसमें पूर्ण शराबबंदी का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया। तो पहले तो इजली बंद बंद था, कानून की कोई बात नहीं थी। जब हाई कोर्ट ने जब अवैध करार कर दिया तो नीतीश कुमार ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कानून को पास करवाया, और कानून पास करने के बाद उसको जो पूर्ण शराबबंदी के साथ जो कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान दिया, जो कि जिनके मन में जो शराब माफिया थे कि वे संभल जाएं समझ जाएं। और दोस्तों जाहिर सी बात है जब भी कोई नया साल हो या होली हो दिवाली हो या जब भी मतलब कोई बड़े धार्मिक पर्व थे तो उस समय जो है बिहार में कई जगह जो जहरीली शराब से कई लोग एक साथ मर जाते थे, तो कम से कम उतने लोग तो मरने से बच रहे हैं। अब है अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की वजह से जो है मृत्यु होने पर, देखिए क्या क्या दंड दिया गया है, मृत्यु होने पर दंड, मृत्यु दंड मतलब अवैध शराब के निर्माण यानी बनाने से और बिक्री यानी बेचने की वजह से किसी को मृत्यु होती है तो मृत्यु दंड मिलेगा, या गंभीर रूप से अगर बीमार है या अपंग हो जाता है कोई शराब पीने वाला तो उसको उम्र कैद तक का प्रावधान किया गया है इस कानून में, बहुत कड़े कानून बनाए गए हैं। फिर 10 साल की सजा हो सकती है या 10 लाख तक का जुर्माना या दोनों एक साथ जो भी हो जाए, ठीक है, इसका भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद घर में अगर देखिए घर में शराब मिलने पर वहाँ रहने वाले सभी वयस्कों की गिरफ्तारी
और दोषी की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जो है गया में जो है विधान परिषद के जो सदस्य थे उनके घर को जो है शराब मिलने के कारण उनके घर को सील कर दिया गया था, और कई जगह उसके बाद कई जगह जो है शराब मिलने पर उन घरों का भी नीलाम किया गया है, पटना में है या कई अन्य जगह है, बिहार कई जगह है यहाँ पर जो है शराब की वजह से उन घरों को जो है नीलाम कर दिया गया है, सरकार ने उसके पर कब्जा करते उसको नीलाम किया है। अब है देखिए, हालांकि ये बहुत तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जो पीने वाले हैं वो घर के जो सदस्य उनके खिलाफ ही जाकर पीते हैं, ठीक है, उनको कानून से डर नहीं है, चूँकि वो आदी हैं कानून से, उनको डर नहीं रहता है, डर रहने के बावजूद भी वो छिप छिपा के पीना चाहते हैं, जो कि ये उचित नहीं है, चूँकि अब यहाँ बंदी है तो इस तरह काम नहीं करना चाहिए, लोगों को सुधर जाना चाहिए। तो ये मेरे व्यक्तिगत राय है, और जो है जो कानून है उस कानून के तहत मेरा राय है, ठीक है। अब है शराब रखने आदि से जुड़े सभी अपराध गैर जमानती, यानी कि जमानत नहीं मिलना है, जेल जाने के बाद ही जमानत मिलेगा, उसकी भी एक प्रक्रिया है। अब है शराब की सुनवाई केवल जो है स्पेशल सेशन कोर्ट में ही होगी, ठीक है, इसकी सुनवाई जो होगा स्पेशल सेशन कोर्ट में होगा, और दूसरी बात अगर अपराध करते हैं वो पकड़े जाते हैं और दोष सिद्ध हो जाते हैं तो सजा भी जो हो जाएगा उपयुक्त जज जो सजा हो जाएगा जज के विवेक पर है, ये सजा जो है दुगनी कर दी जाएगी, ठीक है, सजा जो है दुगनी हो जाएगी। तो ये थे बिहार में पूर्ण शराबबंदी, जो खासकर इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे कब शुरू हुआ, कब कब शुरू हुआ, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय की विश्व विरासत सूची में शामिल होना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत हमेशा के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो खंडहर है वो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। अब इसमें जो बातें हैं निकलकर, ये जुलाई 2016 में 16 को यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के प्राचीन जो है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर जो है उसको शामिल कर लिया गया है, ये एक बात है। और बिहार में दूसरा जो है विरासत सूची में शामिल है तो बोध गया का महाबोधि मंदिर है, जो कि यूनेस्को की सूची में पहले से ही शामिल था। तो ये प्रश्न अगर आते हैं कि यूनेस्को का स्थल चुनने के लिए कि विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है, तो एक तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर और दूसरा महाबोधि मंदिर, तो दोनों को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए स्टैटिक रूप से ये काम करेंगे आपके जीके के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, इसका शुरुआत हुआ था 1 सितंबर 2016 से। फिर नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति जो है ये 7 सितंबर 2016 से लागू किया गया है बिहार में, और ये 5 सालों के लिए बिहार स्टार्टअप नीति को शुरू किया गया है, और इसमें 500 कुछ खास बातें जो मैं आपको बताता हूँ, तो 5 वर्षों तक ये प्रभावी रहेगा, और इसमें 500 करोड़ रुपये के वेंचर कैपिटल का प्रावधान किया गया है, तो युवा उद्यमियों को जो, ठीक है, जो एंटरप्रेनर है उनके लिए जो प्रारंभिक कार्यकलाप पर होने वाले जो व्यय हैं, शोध हैं, कौशल प्रशिक्षण, विपणन सहायता के रूप में प्रत्येक स्टार्टअप पर जो है 10 लाख रुपये तक का जो सब्सिडी देना होगा, सब्सिडी मिलेगा उनको, और राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों के तहत लाइसेंस निबंधन की 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो ये था ये बिहार स्टार्टअप नीति। उसके बाद बिहार सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों में जो है दिव्यांगों को आरक्षण जो था, जो कि नौकरी में और शैक्षणिक संस्थानों में दोनों में समान रूप से 3% से जो है बढ़ाकर 4% कर दिया। इसके साथ जो पूर्व स्वतंत्र मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाती नातिन पोते पोती को जो है 2% जो है दिया गया है, आरक्षण उनको भी दिया गया है। तो ये थे कुछ खास, और उसके बाद आप नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए भारतीय राज्य वन रिपोर्ट है, तो भारतीय राज्य वन रिपोर्ट क्या कहता है, इसमें क्या क्या है, इम्पोर्टेंट है एक तरह से। तो रिपोर्ट जो कहता है, रिपोर्ट के अनुसार जो है उपग्रह सैटेलाइट से जो पिक्चर लिया गया है उसमें बिहार में वनों की सघनता के अंतर्गत जो है 7,288 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, मतलब बिहार में जो वन है 7,288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये पूरे बिहार के कुल क्षेत्रफल यानी 94,163 वर्ग किलोमीटर का
जो 7.74% ही होता है। और भारत के वन क्षेत्र में, अगर भारत के यानी कि जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें ये इसका जो प्रतिशत है एक एक ही प्रतिशत है, 1% है, 1.03% ही आता है। तो ये बहुत कम है, और यहाँ भी कम है, यहाँ इसको 33% होना चाहिए था। हालांकि कई जगह आंकड़ों में 10.03% भी बिहार सरकार बताती है, लेकिन ये उपग्रहीय आंकड़े हैं, ठीक है। भारत राज्य वन रिपोर्ट है ये, इसके आधार पे है। जबकि अब देखिए अभिलिखित जो है डाटा जो है राज्य सरकार के पास, उसमें कहा जाता है कि 6,493 वर्ग किलोमीटर में जो है वन है, वन की सघनता है। और भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.90% है। ये बड़ा उससे भी मतलब उपग्रहीय आंकड़े से भी कम है ये। और भारत में वन का जो ये क्षेत्र है ये जो है 10.85% जो है ठहरता है। तो और ये कम है, तो ये इम्पोर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कितना प्रतिशत वन है। तो ये आंकड़े आप ध्यान रखेंगे, ये आंकड़े के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अब भाई नेक्स्ट देखते हैं। अब है बिहार विधानसभा चुनाव। तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है इससे जुड़े हुए कुछ क्या क्या खास है आप देखिए। तो देखिए ये बिहार के, पहले तो याद रखना होगा कि 16 विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव हुआ 2015 में, ठीक है। और ये 1 नवंबर 2015 में हुआ, 16 विधानसभा के लिए चुनाव सम्पन्न कराए गए हैं। ये चुनाव 5 चरण में हुए हैं, ठीक है, 5 चरण में। ये नाम याद रखिएगा ये, कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है 5 चरण में हुआ है। अब कब कब हुआ है, कितने कितने सीटों पर, इसको भी ध्यान देना होगा बीपीएससी के स्टूडेंट को जो, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी या सीडीपी हो तो उनके बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब देखिए चरण जो है 5 चरण, पहला चरण है ये देखिए, पहला चरण जो हुआ था 12 अक्टूबर को हुआ था, जो कि अक्टूबर नवंबर में हुआ है। और ये 49 सीटों के लिए हुआ था। दूसरे चरण में जो है, जो कि 16 अक्टूबर को हुआ था 2015 में, ये इसमें 32 सीट के लिए हुआ था। फिर तृतीय चरण जो है इसमें 28 अक्टूबर को हुआ है, जो कि 12, 16, 28, ये 50 सीटों पर हुआ था इसमें विधानसभा चुनाव। फिर है चौथे चरण में जो हुआ 1 नवंबर को हुआ था, और ये 55 सीटों पर जो है विधानसभा की 55 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए गए थे। फिर पांचवे में जो है ये पांचवा जो चरण था वो 5 नवंबर 2015 को हुआ था, और 57 सीटों पर हुआ था। टोटल 243 सीट है बिहार में, ठीक है, 243 सीट है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए उसी से जुड़ा हुआ चुनाव से, बिहार चुनाव से जुड़ा हुआ है। 16 विधानसभा चुनाव में जो है 65.66% जो मतदान पर हुए हैं। तो मतदान प्रतिशत अभी भी मतलब कि 56% ही है, तो और भी मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। तो इसमें इसके बाद देख रहे हैं कि इसमें पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत है वो 53.3% है, और महिलाओं का, देखिए महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है वो 60.5%, यानी 60.5% जो है महिलाओं ने जो है चुनाव में मत दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो 7% की, 7% अधिक पुरुषों की अपेक्षा 7% अधिक महिलाओं ने जो है मतदान किया है, जो कि ये नीतीश कुमार की देन है। उन्होंने टारगेट किया है, और ये सब शराबबंदी के वजह से हुआ है, और उनको महिला सशक्तिकरण के कारण से ये हुआ है। तो इसलिए इनका जो है वोट बैंक भी जो है एक तरह से निश्चित माना जाता है, ठीक है। अब है देखिए वोट की गिनती कब हुई है, तो 8 नवंबर 2015 को वोट की गिनती हुई है, जिसमें महागठबंधन को, जिसमें आरजेडी और जेडीयू शामिल था उस समय, तो 178 सीट हुआ मिला था। और राजग, जिसमें मतलब बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टियां थी, उनको 58 सीट मिली है, जिसमें से आगे देखेंगे कितना किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। तो इस चुनाव में, इस चुनाव की खास बात ये रही कि थर्ड जेंडर पार्टी यानी कि जो किन्नर है, उनको भी मतदाता के रूप में उनको मत देने का ही जो है पहली बार इनको मौका मिला था। किन्नर पहली बार इन्होंने 16 विधानसभा चुनाव में जो है दिया है मत अपना दिया है। और ठीक है, और 2010 के, देखिए 2010 के विधानसभा चुनाव में जहाँ 34 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी, वहीं 2015 में जो है 2015 के चुनाव में कुल 28 महिला प्रत्याशी विजयी हुई है, यानी 28 महिला ही विधानसभा पहुंची है।
तो कम गई सीटें, 6 सीट जो है, 6 सीट कमे हैं, 6 महिलाएं कमी हैं। हालांकि ये महिला का बढ़ना, ये सब जो हुआ गठबंधन हुआ उसका ही परिणाम था, क्योंकि 100 100 सीटें थी, जेडीयू ने 100 सीट लिया था, आरजेडी ने 100 सीट लिया था, और बाकी पे जो है सब कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने जो चुनाव लड़ा था। तो इसके वजह से जब महिलाओं को जो पर्याप्त मौका नहीं मिल पाया है, तो खैर स्थिति यही है। 28 महिलाएं इस बार आई हैं 2015 में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दल और मतलब पार्टी वाइज कितने सीटें प्राप्त हुई हैं, कब कब और क्या 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 हार, कितना उनको लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ कौन सी पार्टी को, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले राजद को लेंगे, इसलिए कि सबसे अभी जो वर्तमान में राजद सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है। तो राजद जो है वो इस बार देख लेते पहले कि 80 सीटें राजद को मिली थी, अब सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी ये। और उसके बाद जेडीयू को 71 सीट मिला था 100 में से 71, भाजपा को 53 सीट पर संतोष मिला था। यहाँ पर जो बिहार में जो नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चला, अभी बिहार अभी पूरे इंडिया में जो है 29 राज्यों में, 19 राज्यों में जो है अभी वर्तमान में आज के तारीख में, जो आज जिस दिन आज ये वीडियो आप देख रहे हैं मतलब पब्लिश हुआ है, उस स्थिति में ये है कि 19 राज्य में है बीजेपी का जो है कहीं कहीं डायरेक्ट कहीं गठबंधन के थ्रू मतलब अपना राज चला रही है, मतलब इनका है कब्जा है। और कांग्रेस बहुत चार चार राज्य पे ही उनका सीधा सीधा जो है शासन है कांग्रेस का। तो खैर बिहार में इनका जादू नहीं चला, बिहार बंगाल में इनका जादू नरेंद्र मोदी का नहीं चला था। तो खैर अब तो पार्टी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के सहयोग से जो है सरकार चल रही है बिहार में अभी। फिर ये सब तो खैर राजनीति के हिसाब के तब उठा पटक है, कभी कुछ कभी सिंगल कभी किसी और के साथ मिलके ये सब होते रहता है। तो खैर अब देखिए कांग्रेस को 27 सीटें मिली 2015 में, भाकपा माले को 3 सीटें, लोजपा को जो है 2 सीटें, बहुत कम सीट प्राप्त हुई थी, और झामुमो को एक भी सीट नहीं मिला था, और हम पार्टी में सिर्फ जीतन मांझी जीते थे अकेले, वही 1 सीट, और रालोसपा को मिला है 2, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है ये, तो 2 सीट जीत पाए थे विधानसभा की, और निर्दलीय 4, तो 243 में। लेकिन देखिए 2010 में, चूंकि ये भी पूछ लिया जाएगा परीक्षा में कि 2015 की अपेक्षा 2010 से, 15 से ना पूछ के 2010 से पूछा जा सकता है। तो देखिए जो राजद को 2010 में 22 सीटें मिला था, तो इस तरह से उनको जो है 58 सीट, यहाँ प्लस नहीं दिया गया, तो 58 सीट को बढ़ोतरी हुई है। तो 2010 में 22 सीटें, आरजेडीयू को 115 सीटें मिली थी, भाजपा को 91, कांग्रेस को 4, और भाकपा माले को 0 थे, लोजपा को 3 सीटें, झामुमो को 1, हम का कोई नहीं क्योंकि ने उस समय नहीं था ये हम। फिर रालोसपा को भी नहीं कुछ मिला था, और निर्दलीय 6 थे। अब देखिए क्या अंतर है इसमें, तो 2010 में जहां आरजेडी को 22 सीटें मिली थी, वहीं मतलब 58 सीट की वृद्धि हुई है 2015 के चुनाव में, और इस तरह से 80 सीट उनको प्राप्त हो गई, 58 सीट की वृद्धि हुई है। जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी थी 2010 में, यानी 115 था, जिनको घटकर उनको 44 सीट का लॉस हो गया था, और 71 सीट पे ही वे ही 2015 में प्राप्त कर सके। उसके बाद देखिए उसके बाद जो है भाजपा, देखिए भाजपा जो है 91 सीट 2010 में लाई थी, तो उसको सबसे लॉस ज़्यादा हुआ, 53 सीट ही मिला, तो मतलब सबसे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, लेकिन इनको बहुत लॉस हुआ। उम्मीद बहुत बनाए रखे थे 100+ का, लेकिन उल्टा 100+ क्या, उनको जो है 53 सीट पर संतोष करना पड़ा, 38 सीट की लॉस हुआ उनको। कांग्रेस सबसे ज़्यादा जो फायदा हुआ था ये किसी पार्टी को, मतलब बिहार में पहली बार उत्साह के लिए था, तो ये उत्साहित थे कांग्रेस के, चूँकि 4 सीट ही थी, और इस तरह से ही बिहार में उनका रहता था हमेशा, कभी 3 कभी 4, तो इस तरह 4 सीट 2010 में थी कांग्रेस को सीट विधानसभा में, जो कि उनको अचानक जो है 23 सीटों की बढ़ोतरी हो गई, और 27 सीट पे पहुंच गए, 23 सीट उनको अधिक जीत गए हुए। तो ये सब गठबंधन के कारण हुआ, जेडीयू के गठबंधन के वजह से इस तरह का जो है त्रिकोण बने थे, उसी वजह से ये जीत हुआ था। अब भाकपा माले जो है उनको 2010 में कोई सीट नहीं था, इस तरह से उनको जो है बेनिफिट हुआ था, 3 सीट का बढ़ोतरी हुई पिछले चुनाव से, 3 सीट उनको अधिक मिला। लोजपा 3 सीट 2010 में जीती थी, और 2015 तो उनको 1 सीट की लॉस हुआ, तो एक चूंकि 2015 में 2 ही सीट पर ये 2 सीट जीत पाई लोजपा,
और झामुमो जो है, झामुमो या लिचपा हो गया, क्षमा करेंगे, या लोचपा, याद रखना लोचपा है, ठीक है, लोचपा। तो ये झामुमो है, वो एक सीट 2010 में लाई थी और 2015 में एक सीट भी प्राप्त नहीं कर सकी, तो इस तरह माइनस उसको एक सीट का लॉस है। हम पार्टी जो है, हम पार्टी था ही नहीं उस समय, एक एक सीट उन्होंने जीता, इसलिए एक सीट का उनको बेनिफिट हो गया। रालोसपा भी एक एक भी सीट नहीं था उनके पास, दो सीट वो जीत पाए 2015 में, सिर्फ दो सीट की उनको जो है प्रॉफिट है। निर्दलीय को लॉस हो गया, छः विधानसभा क्षेत्रों में जो है छः चुन के आए थे विधानसभा में, अब जो चार ही थे 2015 में। इस तरह निर्दलीय लोग जो हैं स्वतंत्र होते हैं और माइनस दो यानी दो सीट के उनको लॉस हुई है। तो दोस्तों ये थे कुछ खास राजनीतिक दल और उनकी पार्टी के जो है इस 2015 के यानी 16वीं विधानसभा और 15वीं विधानसभा के सीटों की संख्या और उनमें क्या लॉस, क्या प्रॉफिट आया उससे रिलेटेड। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए, 7वें वेतन आयोग को बिहार में लागू करने से के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या हुआ है तो देखिए। तो देखिए, 21 दिसंबर 2016 को, 21 दिसंबर 2016 को जीएस कंग, याद रखेंगे, 7वें वेतन आयोग अशोक कुमार माथुर द्वारा केंद्र में लाया गया था और उसी का जो है उसी को लागू करने से के संबंध में 21 दिसंबर 2016 को जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय वेतन आयोग को जो है गठन किया गया बिहार में, ठीक है। और बिहार में जो है, ये तो इम्पोर्टेंट था, अब इसके बाद देखिए कुछ अलग है हटके, तो अन्य अन्य फैक्ट हैं। तो बिहार में तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्तियों को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है और इस तरह से एक विकलांग को जो है 29 फरवरी को जो है, ये 29 फरवरी 2016 को एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया कि विकलांगता के से संबंधित प्रमाण पत्र दिया गया और उस दिन से ये तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को विकलांग की श्रेणी में रखा गया, यानी हैंडीकैप माना गया है। और उसके बाद देखिए, पटना में जो है साइंस सिटी जो है बनने वाला है, वो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनेगा, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, मिसाइल मैन है, तो जाहिर सी बात है। उसके बाद बिहार में जो है 21 अप्रैल 2016 को प्रथम सिविल सेवा दिवस मनाया गया था, ठीक है, प्रथम सिविल सेवा दिवस मनाया गया था 21 अप्रैल 2016 को, इसलिए ये तारीख याद रखेंगे। फिर बिहार में जो है महिला सशक्तिकरण नीति जो है कब लागू किया गया, महिला सशक्तिकरण नीति कब लागू किया गया, तो ये 2015 में लागू किया गया है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ खास था दोस्तों, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, और इसके बाद भी कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन जो कि बेल आइकन के रूप में है, घंटी है, उस घंटी को दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिल जाए, खासकर बिहार से संबंधित एग्जामों के बारे में। और लाइक करना नहीं भूलें, लाइक का बटन जो है आप लाइक का बटन जरूर दबा दें, उसको छू देने से आपसे कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बहुत ठीक है, इस लाइक कर दें और 3 लोगों कम से कम जरूर आप शेयर करें, ठीक है, थोड़ा सा करें, क्योंकि इतना सारा मेहनत किया तो उसका थोड़ा सा उचित सम्मान प्रदान करते हुए आप इन बातों को अमल करें। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद।